बाकी आपने जो मेहनत करी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम्स दे नर्वस ना हो बिल्कुल भी तो अगर किसी बच्चे का उतना अच्छे से ना हो पेपर तो कैसे मतलब एज अ पेरेंट हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए आपको क्या लगता है बच्चे के साथ आई थिंक के पेरेंट्स को कॉपरेट करना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर वो जेई एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाता तो आगे उसका करियर फिनिश हो गया है और भी बहुत तरह तो के एग्जाम है और भी कई ऑप्शन है करियर में बिल्कुल अंकल कई बार क्योंकि ये होता है कि बच्चा घबरा जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी कोई गलती है या वो है कई बार वो तैयारी भी अच्छे से करके आता है ना और इसीलिए इस बार तो चार अटेम्प्ट भी दी गई है तो अगर बच्चे का एक बार पेपर सही नहीं भी होता है तो वो फिर से ट्राई कर सकते हैं ना अंकल बेस्ट विशेष है सभी अपना कॉन्फिडेंट होकर पेपर दीजिए जो भी रहेगा सब अच्छा रहेगा ठीक है थैंक यू अंकल थैंक यू थैंक यू तो अंकल अभी आपका बेटा पेपर देने गया है ना सो अंकल जैसे कल और परसों भी और पेरेंट्स आएंगे और फिर बात अब तो इस बार तो चार अटेम्प्ट आपको पता ही होगा

ड्रॉप करना कोई फर्क नहीं पड़ता भिल्कुण भिल्कुण। भिल्कुण। और आगे फिर इतने आजकल तो जमाना ऐसा हो गया कि इतने सारे हमारे पास खुले हैं मतलब लोग इतना अच्छा कर लाइफ में कर रहे हैं बस ये हाँ एक अच्छा कॉलेज हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है बट इट्स नॉट ऑफ लाइफ मतलब उसके बहुत सारी ऑपर्चुनिटी चलिए बहुत अच्छा लगा अंकल बात करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच एज अ पेरेंट मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज है भीड़ भीड़ ज़्यादा तो नहीं है सैनिटाइजेशन हो रहा है प्रॉपर बाहर सेंटर में कैसा है हाँ भीड़ तो नहीं है सैनिटाइजेशन भी बढ़िया है पहले जेई मीन्स की एक अटेम्प्ट होती थी उसके बाद उन्होंने दो करी गवर्नमेंट ने फिर अब चार कर दिए तो इस पर आपके क्या ख्याल है ये अच्छा है बुरा है ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इससे क्या है कि कई बार तैयारी नहीं हो पाती तो अच्छा स्टूडेंट भी नहीं वो कर पाता अब एक बार वो दे भी देंगे पेपर तो उन्हें लाइक आदत हो जाएगी तो अगली बार वो किसी भी चीज़ में तीन अटैम्प्ट मिलती हैं तो हमें ये होता है कि पहले में रुक गया कोई नहीं दूसरे में स्पोर्ट्स में ही होता है तो वही वाला हिसाब है ऐसा नहीं है कि वरना एक में तो ये होता है कि वहाँ पहुँचने में ही देर हो गई है अगर सेंटर में किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए जैसे पिछली बार ही हम एक दे रहे थे तो कोई शूटिंग चल रही थी अच्छा तो एक घंटे का जाम लग गया अब एक ही अटेम्प्ट होगा तो आदमी तो गया इसमें कम से कम यह है, नेक्स्ट में कर लेगा बिल्कुल कई बार कोई बीमार है बच्चा किसी को मलेरिया हुआ डेंगू हुआ कुछ भी हो सकता है ना तो आपको क्या लगता है कि कैसे कोरोना ने इफेक्ट करा बच्चों की प्रेपरेशन को इफेक्ट तो, तो नहीं हुआ इससे तो उन्हें और अच्छा मौका मिला है और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ना की आगे कुछ होता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना घर में जाके तैयारी कर सकते हैं क्योंकि वरना उनके दो तीन घंटे तो बसों में ही चले जाते थे स्कूल जाएंगे फिर आएंगे फिर गए फिर आए तो इसमें यह है की अपना फिक्स तैयारी कर रहे हैं तैयारी का मौका तो अच्छा मिले तो लेकिन एक स्कूल जाते आने में ना बच्चा थोड़ा पंचुअल रहता है तो इसमें थोड़ा लेजी हो गए कि अपनी मर्जी से उठे जब मर्जी पढ़ाई करो है ना जब करो मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है कि टाइम बच रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन का लेकिन टीचर के साथ जब तक बच्चा वन वन टू ना करे है ना सो वो बच्चे को वन टू वन इंटरेक्शन नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन में चाहे आप वीडियो ऑन भी करवा लो पर आप कभी वो है ना इंटरेक्शन नहीं कर सकते तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के लिए ठीक है ना जिनके जैसे पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते तो आजकल इतनी साइट है इतने यूट्यूब आ रहे हैं ये जो हमारे टाइम में नहीं थे बिल्कुल जो हम नहीं पढ़ पाए तो बच्चा अपना पूरा तैयारी कर सकता है घर में है ना ये तो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी डेवलप हो गए हाँ जी हाँ जी और फिर बच्चे मतलब फ्री में भी पढ़ सकते हैं इधर उधर से हमारे टाइम पे तो पहले जिस पे नोट्स होते थे वही आगे बढ़ता था बाकी दूसरा दूसरे को नहीं देता था अब आप जो मर्जी अपना पढ़ लो है ना कुछ भी अगर आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहो एज अ पेरेंट यही कहना चाहेंगे भाई की बच्चों को फ्री रखें प्रेशर में ना डाले और अटेम किसी न किसी जो अच्छा तैयारी वाला हो किसी न किसी में निकल ही जाएगा है ना और नहीं तो और प्लेटफॉर्म भी है कोई ऐसा जरूरी नहीं है भाई मतलब ऐसा नहीं है की जी अच्छा नहीं हुआ तो एंड ऑफ लाइफ है ना आगे भी बहुत सारी हाँ यही बेस्ट ऑफ लक सारे <laughs> बच्चों के लिए हाँ, पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पेपर देना है ना सो so, अंकल आप देहरादून के ही रहने वाले देहरादून अभी आया हूँ मैं रिसेंटली सिक्स मंथ बैक तो अभी आपकी डॉटर गई है पेपर देने ओवरऑल आपको कैसा लगा सेंटर का जो सेंटर है वो तो मैं बाहर से देख रहा हूँ काफी एम्ब बहुत अच्छा है सेंटर का प्लस बाहर भी जो है अपना ये सैनिटाइज जो उनका प्रोग्राम है They are doing very well. आपको क्या लगता है कि कोरोना ने कैसे बच्चों की को करा है? देखो मैं आपको एक बड़े ही जिसे कहते हैं कि यथार्थ लेवल पर यह बात बताऊंगा कि जब करोना हुआ तो ईच एंड एवरी पर्सन ही वॉज वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ करोना फॉरगेट अबाउट अ स्मॉल किड्स हर कोई डरा हुआ था जब पेरेंट्स डरे होंगे तो बच्चे कितने डरे होंगे तो ये जो जॉल्ट जो चला ये जो धक्का चला कोरोना का इट वाज एबसोलूटली फॉर एटलीस्ट फॉर सिक्स सेवन एट मंथ्स। फॉरगेट की सिक्स सेवन एट मंथ बच्चों ने कोई पढ़ाई की होगी नाउ देर जब मैंने उनको बताया कि देर इज नथिंग कोरोना लाइक कोरोना आएगा जाएगा को प्रिपरेशन भी करके गया बट एग्जाम में पाता है एज अ पेरेंट आपका अपने चाइल्ड के प्रति क्या रिएक्शन होना चाहिए अगर आपको वो बोलता है कि उसका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ देखिए अगर मैं अपने चाइल्ड से बड़ी ऑनेस्टली बात करूंगा मैं उससे कहूंगा बेटा अगर तूने इफ यू पुट इन योर एफर्ट्स देन इट इज़ वेरी गुड कोई बात नहीं डोंट वरी ये टीचिंग है हमें ये नहीं सिखाना कि आप यहाँ से पास करके इंजीनियर फाइनली झूठ बोलो ठीक है ना दैट इज नॉट अ कल्चर क्वेश्चन ये था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा मैं पहले उससे कहूंगा कि बेटा डोमिनोज में पिज्जा खा के आ दिक्कत मत कर ठीक है ना बिल्कुल अंकल ने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि सबसे पहले तो अंकल डोमिनोज में ले जाएंगे उसको खिलाने क्योंकि बच्चे को पहले तो आप हौसला दोगे कि बेटा कोई बात नहीं Super. जो भी हुआ वट और ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कि अगर आपने अपना 100% परसेंट दिया और उतना अच्छा पेपर ना भी हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया चलिए थैंक यू अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपने काफी अच्छे अच्छे इनसाइट्स दिए सो इट वॉज रियल फन इंटरेक्टिंग पेरेंट्स गाइस फेस रिजेक्शन ऑल्सो हमने एक पेरेंट को बोला तो बोला नहीं प्लीज आप किसी और का रिएक्शन ले लो बट दट पार्ट ऑफ जर्नी दैट्स नॉट एन इशू अभी कुछ ही घंटों में स्टूडेंट्स रिएक्शन भी आने है तो स्टेट गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो है आप लोगों को तुरंत से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों को सबसे टफ पेपर कौन सा लगा कौन सा लें लगा यह सारी बातें हम करने वाले है. बस कुछ ही घंटों में वो वीडियो आ जाएगा अगर वो वीडियो आ चुका होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक अम्बु सक्सेना जिसने मुझे यह आइडिया दिया था कि तुम लोग पेरेंट्स का भी रिएक्शन ले सकते हो स्टूडेंट्स के साथ थैंक यू अंबुद फॉर दी आइडिया थैंक्स श्वेता मैम एंड आयुष सर फॉर हेल्पिंग मी इन शूटिंग द वीडियो मिलता हूँ आपसे अगली बार तब तक लिए कि हंड्रेड परसेंट इन वट एवर यू डू बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल